रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8, चैप्टर 3, बायोडाइवर्सिटी। टॉपिक क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देर इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ वेरी डिसिमिलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ। बहुत बड़ी कलेक्शन दुनिया में मौजूद है मुख्तलिफ जानदारों की, जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। Over 1.5 million type of animals and over 0.5 million type of plants are known to biologists. तकरीबन 1.5 यानी कि 15 लाख से ऊपर जो हैं वो एनिमल्स मौजूद हैं मुख्तलिफ तरह के, और 0.5 million यानी कि 5 लाख टाइप ऑफ प्लांट्स उनसे हैं वो बायोलॉजिस्ट को मालूम हैं, उनके बारे में वो इल्म रखते हैं। दीज आर ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल टाइप एस्टिमेटेड टू लिव ऑन अर्थ। ये बिल्कुल कम परसेंटेज है जिसके बारे में बायोलॉजिस्ट को मालूम है। दुनिया में बहुत ज़्यादा जानदार ऐसे हैं जिनके बारे में बायोलॉजिस्ट नहीं जानते। दे रेंज इन कम्प्लेक्सिटी फ्रॉम स्मॉल एंड सिंपल बैक्टीरिया टू लार्ज एंड कम्प्लेक्स ह्यूमन बींग। इनकी जो रेंज है वो काफ़ी कम्प्लेक्स है, क्योंकि दुनिया में स्मॉल और स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म भी मौजूद हैं और लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म भी मौजूद हैं। तो जो दुनिया में जानदार है वो कम्प्लेक्सिटी रखते हैं, मतलब स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेकर जैसे बैक्टीरिया है और उससे लेकर लार्ज ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म है या कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है जैसे ह्यूमन बीइंग है, वहाँ तक वैरायटी मौजूद है। अगर देखा जाए सम ऑफ देम लिव इन सी, कुछ ऐसे हैं जो समुंदर में रह रहे हैं, कुछ ऐसे हैं सम ऑन लैंड जो कि ज़मीन पर मौजूद हैं, सम वॉक जो चल रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो फ्लाई कर रहे हैं, एंड स्टिल अदर्स आर स्टेशनरी, और कुछ ऐसे हैं जो कि स्टेशनरी हैं यानी कि स्टिल हैं जैसे प्लांट्स हैं। ईच हैज़ इट्स ओन वे ऑफ लाइफ, हर एक का ज़िंदगी गुजारने का तरीका अलग है। डेट इज़ गेटिंग फूड, खुराक हासिल करने का तरीका अलग है। अवॉइडिंग अनफेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन से अवॉइड करने का तरीका अलग है। फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव, और जगह जहाँ पर वो रहना चाहते हैं उनका हर जानदार की जगह जो है जिसमें वो रह रहे हैं वो मुख्तलिफ है। रिप्रोड्यूसिंग इट्स काइंड, जो रिप्रोडक्शन का तरीका है वो हर एक का मुख्तलिफ है। व्हेन देयर आर सो मेनी डाइवर्स काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर देखा जाए तो बहुत मुख्तलिफ तरह के अलग अलग तरह के जानदार मौजूद हैं। इट बिकम डिफ़िकल्ट टू लर्न अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच, तो हर एक की करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। टू स्टडी सच अ लार्ज कलेक्शन बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म टू ग्रुप एंड सब ग्रुप, इतनी बड़ी कलेक्शन को बायोलॉजिस्ट तरतीब देने के लिए, इतनी दुनिया में इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म हैं उनको एक ख़ास तरतीब देने के लिए ताकि इजीली उनकी करेक्टरिस्टिक को स्टडी किया जा सके, उन्हें ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फॉर दिस टास्क दे रिक्वायर्ड सम सिस्टम, तो इस टास्क के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम की ज़रूरत थी कि किस तरह ग्रुप और सब ग्रुप में जानदारों को डिवाइड किया जा सके। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज अ मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड और सब ग्रुप। बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है वो ऐसा तरीका है जिसमें बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनिज्म को ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आता होता है, डिफाइन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, व्हाई बायोलॉजिकल फेल्ट इट नेसेसरी टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप, के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है और इस बायोलॉजिस्ट जो हैं उन्हें क्यों ज़रूरत महसूस आई पड़ी कि ऑर्गेनिज्म को ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करना चाहिए। तो इसका आंसर इसके अंदर है, जो कि क्लासिफिकेशन, एम्स और प्रिंसिपल।